लेकिन बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं 75 साल पे इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं रिटायर नहीं होऊंगा। उनका अपना बनाया हुआ रूल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे। नहीं तो लोग कहेंगे कि मोदी जी ने ये रूल आडवाणी जी को हटाने के लिए बनाया था, जब अपनी बारी आई तो नहीं। तो मोदी जी इस रूल का फॉलो करेंगे, ये पूरा यकीन है देश के लोगों को कि उन्होंने खुद रूल बनाया तो खुद फॉलो करेंगे। दूसरी बड़ी बात जो हुई कि जब मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। 4 दिन हो गए, इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। तो उनका हटना अब लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के सीएम। लेकिन बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं 75 साल पे इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं रिटायर नहीं होऊंगा। उनका अपना बनाया हुआ रूल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे। नहीं तो लोग कहेंगे कि मोदी जी ने ये रूल आडवाणी जी को हटाने के लिए बनाया था, जब अपनी बारी आई तो नहीं। तो मोदी जी इस रूल का फॉलो करेंगे, ये पूरा यकीन है देश के लोगों को कि उन्होंने खुद रूल बनाया तो खुद फॉलो करेंगे। दूसरी बड़ी बात जो हुई कि जब मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। 4 दिन हो गए, इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। तो उनका हटना अब लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा।